हाय फ्रेंड्स, छोटा सा स्मॉल सा स्टार बनाएंगे, इसे हम हैंगिंग डेकोरेशन में यूज में ले सकते हैं। इट इज लुक लाइक दैट। ये बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। इसको हम बनाने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स लेंगे, कलरफुल पेपर की स्ट्रिप्स। इसको हम लोग 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ लेंगे और लेंथ लेंगे 10 सेंटीमीटर। मैंने अलग अलग कलर्स की स्ट्रिप्स ली हैं और फिर हम इनको इस तरह से एक साथ रखेंगे और रख करके एक के ऊपर रख के हम इनको स्टेपल से बीच में स्टेपलर कर देंगे। कॉर्नर से भी हम इस पर फेविकॉल लगाएंगे और फिर हम इसको मिड में से स्टिक करेंगे। इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ताकि ये यहाँ से हटे नहीं और फिर इस तरह से स्टिक कर देंगे। आपको सभी स्ट्रिप्स को इसी तरह से स्टिक करना है। मैंने टोटल यहाँ 13 स्ट्रिप्स ली है। 13 स्ट्रिप्स में से हमने 6 को ऊपर की तरफ जस्ट लाइक दैट अपर साइड, ये देखिए अपर साइड में मैंने इस तरह से फ्लावर मेकिंग किया है। एंड देन बीच वाली जो स्ट्रिप है उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया है। एंड देन बाकी की जो स्ट्रिप्स है मैंने उसे लोअर साइड में इस तरह से स्टिक किया है। ये देखिए ये लोअर साइड में मैंने स्टिक कर दिया है और फिर इसको एक साथ स्ट्रिक करके फ्लावर मेकिंग किया है। जस्ट लुक लाइक दैट। अब ये जो बीच वाली स्ट्रिप्स हैं इसको हम यहाँ पे बीच में इस तरह से कुछ हम फेविकॉल के थ्रू चिपकाएंगे और इसको यूं स्टिक कर देंगे इस तरह से। एंड ये इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। मैंने डेकोरेशन करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टार्स और बड़े स्टार्स रखे हैं, ये देखिए। और फिर मैंने इसका डेकोरेशन किया है। इसको हम फेविकॉल के थ्रू भी चिपका सकते हैं, ठीक है। हमने ये स्टार्स यहाँ अपर साइड में स्टिक कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हैंगिंग वॉल डेकोरेशन है तो इसके लिए हमने यहाँ पे थ्रेड से इसको यहाँ टक कर दिया है। इसको मैंने यहाँ हॉट ग्लू गम से चिपकाया है इस थ्रेड को, ताकि हम ऊपर अपर में कहीं भी हैंग कर सकें इसे। और ये इस तरह से दिखाई देगा। ओके, थैंक यू।